अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है। इस क्रम में आज मेरठ के विक्टोरिया पार्क से भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आज विक्टोरिया पार्क में कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। कर्मचारियों को सभी आवश्यक सामान दिया जा रहा है। विक्टोरिया पार्क का नज़ारा किसी महाकुंभ से कम नहीं है। सीडीओ शशांक चौधरी ने यह जानकारी मीडिया को दी। देखिए, मेरठ में कुल 2962 बूथ्स पर वोटिंग होने जा रही है कल, जिसके लिए आज दो स्थलों से टीम्स रवाना की जा रही हैं, आईटीआई साकेत से और विक्टोरिया पार्क से। यहाँ से 5 विधानसभाएं रवाना की जा रही हैं और आईटीआई साकेत से 2 विधानसभाएं रवाना की जा रही हैं। टोटल हमारी पार्टियां हैं 2962 प्लस 10%। सभी पार्टियां जो हैं अपना सामान ले रही हैं और बूथ्स पर जा रही हैं। इस बार एक खास व्यवस्था है, कोविड को देखते हुए हर पार्टी को कोविड मैनेजमेंट के लिए सामान दिया जा रहा है। जो भी वोटिंग करने कल आएंगे उनको ग्लव्स दिया जाएगा, सीधे हाथ में ग्लव्स पहन करके वो वोट देंगे अपना। मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स दिए जा रहे हैं और चौक दिए जा रहे हैं, जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग के अपने अपने बूथ्स पे और पोलिंग सेंटर्स पे गोले बनाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाए। नहीं देखिए, ये हमने बहुत ही स्ट्रीमलाइन सिस्टम बनाया था। ड्यूटी अगर एग्जेम्पशन किसी को चाहिए, पिछले 2 हफ्ते से विकास भवन में एक मेडिकल बोर्ड बैठ रहा था, जिसकी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रेगनेंसी है या क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई भी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसको मेडिकल बोर्ड जो बैठता था वो रिकमेंड करता था, तो उसकी ड्यूटी अनिवार्य रूप से कटी है। और जितने भी हमारे बच्चे जिनके छोटे हैं, जिन महिलाओं के लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी भी ड्यूटी काटी गई है, प्रेग्नेंट वुमेंस की भी ड्यूटी काटी गई है। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम लोग जिनको रिलीफ दिया जाना था उनको दिया गया। कितने वोटर हैं मेरे में? वोटर इसका तो अभी मुझे देखना पड़ेगा। नहीं नहीं मशीनों का बेसिकली 2 रेंडमाइजेशन होता है। एक रेंडमाइजेशन में कौन सी मशीन कौन सी विधानसभा में जाएगी और दूसरे रेंडमाइजेशन में कौन से बूथ पे जाएगी। वो रेंडमाइजेशन ऑब्जर्वर्स के सामने और पॉलिटिकल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके सामने किया जा चुका है, और पूरी ही सीक्रेसी के साथ और पूरे सारे मैनेजमेंट के साथ ये अपने अपने बूथ पे पहुँचाई जा रही है। वहीं SP JK श्रीवास्तव ने यह बताया। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी 7 विधानसभाओं को लेकर के फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। जो हमारे 1172 सेंटर्स हैं, इसमें से करीब हमने 325 सेंटर छाटे थे जो बहुत ही क्रिटिकल नेचर के थे, संवेदनशील थे, वहाँ पर स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। बाकी 85 कंपनी हमको पैरामिलिट्री फोर्सेज मिला हुआ है, 85 कंपनीज को भी सेंटर्स की संवेदनशीलता के आधार पर डिप्लॉयमेंट कर दिया। ये संवेदनशील जो क्षेत्र आपने बताया 300 समथिंग, ये शहर के हैं या ग्रामीण? ये शहर और ग्रामीण मिला के सारे क्षेत्रों को मिलाकर। अगर हम बात करें फोकस, तो अति संवेदनशील कौन से? देखिए, कम्युनल दृष्टि से हो या किसी अन्य एंगल से हो, उनको हमने चिन्हांकन कर लिया गया है और वहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स लगा दिया गया है। कुछ शहर के भी क्षेत्र हैं और कुछ देहात के भी क्षेत्र। कितना फोर्स है? करीब 22,500 के आसपास फोर्स डिप्लॉय। देखिए, 7 विधानसभाएं जनपद मेरठ में हैं, जिसमें से 5 विधानसभाओं की पार्टियाँ जो है रवाना हो रही हैं विक्टोरिया पार्क से, और बाकी शेष की जो है रवाना हो रही हैं ITI से। ये बड़ा मोमेंटस टास्क है। मैं लगभग 3,000 के आसपास जो है पोलिंग पार्टियाँ हैं लगभग, और आपको जानकारी है कि सारे यहाँ से चुनाव सामग्री लेकर के इन लोगों को जाना है। बारिश हो गई है, बारिश के बाद में यहाँ पे मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब पार्टियाँ बड़ी तेज़ी से रवाना हो रही हैं।
और हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के लिए हमारी फोर्स साथ साथ हर बसों पर है और एक बाकायदा उसका ब्लूप्रिंट चौक आउट पूरा किया गया है। ये सारी पार्टियाँ अभी थोड़ी देर में अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगी। वहाँ पर बूथ्स की ड्यूटी के अलावा हमने लॉ एंड ऑर्डर की तमाम ड्यूटी लगा रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई जोन और सेक्टर में पूरी व्यवस्था को बांटा गया है। लगभग 23,000 के करीब बाहर से पुलिस पर्सनल, जिसमें 85 हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां हैं वो आई हुई हैं। हमारे बैरियर्स हैं, पिकेट्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, उन सब पे ड्यूटी लगी हुई है और हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से हम संपन्न कराएंगे। जी हाँ, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज की मैंने आपको बताया कि 85 कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं। उन सभी को जो है इस बार, ये पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर वो CRPF और जो केंद्रीय बल है, केंद्रीय बलों से आच्छादित है, कम से कम उनका जो है हाफ सेक्शन का कंपोनेंट वहाँ पर हर पोलिंग सेंटर्स पर रहेगा। नहीं, 80s को ड्यूटी पे नहीं लगाया गया है, उसको ड्यूटी लगाया गया है। जी हाँ, ये कई बार रेंडमाइजेशन होता है, इसकी एक सेट प्रक्रिया है और मजिस्ट्रेट्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सभी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।